हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुलक, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 3 सिंथेटिक पॉलीमर आज मैं जो है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। कंटिन्यू इस यूनिट के नोट्स जो है वो अपलोड होंगे, तो आप लोग चेक जरूर करते रहिएगा। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर के और भी नोट्स आप लोगों को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे गाइस, तो चेक जरूर करें। तो चलिए, आज का वेरी इजी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बहुलक, या जिसे हम कहते हैं पॉलीमर्स। सो गाइस, ये जो बहुलक और पॉलीमर है बहुत ही इजी टॉपिक है, और हम लोगों ने अपने आसपास कई पॉलीमर जो है वो देखे हैं, जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन। इवन हमारे शरीर में भी जो है वो कई प्रकार के पॉलीमर जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे जो है वो पॉलीमर है। और ये जो पॉलीमर है गाइस, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ये जो पॉलीमर है वो दो वर्ड से मिलकर के जो है वो बना हुआ है। सबसे पहला पॉली प्लस मेरोज। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब कई, या हम बोल सकते हैं बहुत सारे। मेरोस का मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट। तो पॉली मेरोस मतलब मैनी यूनिट्स, मतलब कई प्रकार के यूनिट जब आपस में मिल करके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो इसे पॉलीमर कहते हैं। या अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो जब कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसे पॉलीमर कहते हैं। चलिए हम डेफिनेशन में इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन में क्या लिखना है कि जब बहुत सारी यूनिट, या जिसे हम कहें मॉलिक्यूल या अणु, जब बहुत सारी यूनिट आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती है, या जिसे हम कहें कि जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस वृहद अणुओं को, मतलब जो बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है, उसे ही हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी, और बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसका कि जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलकर के कोई बड़ा यूनिट बनाते हैं, या छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के कोई बड़ी इकाई बनाते हैं, तो उसे पॉलीमर कहते हैं। आगे हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे, बट इससे पहले हमें समझना होगा कि एकलक क्या होता है, ये जिसे हम कहते हैं मोनोमर। मोनोमर ये भी दो वर्ड से मिलकर के बना है, मोनो प्लस मर। मोनो का मतलब होता है एक, और मर्स का मतलब होता है यूनिट, मतलब एक यूनिट। हम लोगों ने पॉलीमर में क्या पढ़ा था, बहुत सारे यूनिट मिलकर के एक बड़ा यूनिट बना रहे थे। लेकिन मोनोमर मतलब क्या होता है, केवल एक सिंगल यूनिट, मतलब एक छोटी सी इकाई, या एक केवल एक मॉलिक्यूल। इन सरल अणुओं को, या इन सरल मॉलिक्यूल को ही मोनोमर कहते हैं। अगर कहीं भी मोनोमर आता है, मतलब आप समझ जाइए कि सिंगल यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है, एक छोटे से मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात हो रही है। और गाइस, जब नाम आता है पॉलीमर का, तो पॉलीमर का मतलब है कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट की यहाँ पे बात हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बहुत सारे मोनोमर आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं, मतलब जब बहुत सारे एकलक आपस में मिलते हैं तो वो बहुलक बनाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मोनोमर है एन, मतलब एन मतलब हम कोई भी नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। जब एन मोनोमर आपस में मिल करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं पॉलीमर। बहुत ही सिंपल है, मोनोमर से पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उसे ही हम बहुलीकरण कहते हैं, या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। चलो इसका हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन का। मोनोमर आपस में मिलकर जब पॉलीमर बनाते हैं, या हिंदी में मैं कहूँ कि एकलक जब आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस अगर कभी भी आप लोगों के एग्जाम में बहुलक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है, तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि बहुत सारे छोटे 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 मोनोमर आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर या बहुलक जो है वो कहते हैं। और मोनोमर से पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण जो है वो कहते हैं। तो चलिए गाइस, आगे हम इसका छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे बॉडी में कई प्रकार के पॉलीमर जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सभी पॉलीमर है, क्योंकि ये सभी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के एक बड़ा यूनिट बना हुआ है। और हम बात करें हमारे दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सभी जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर सांश्लेषिक बहुलक जो है वो कहलाते हैं। उसके बाद हम इसका और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मोनोमर क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2।
यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मोनोमर दिख रहे हैं, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन जिसे हम कहते हैं, एक मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2 दूसरा मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CH2 तीसरा मोनोमर, मतलब यहाँ पे आप लोगों को 3 मोनोमर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और भी मोनोमर जो है वो हो सकते हैं। लेकिन जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, जब ये तीनों मोनोमर एथिलीन आपस में मिल जाते हैं, तो आपस में मिलना मतलब क्या हुआ, पॉलीमर का निर्माण करना। तो जब ये मोनोमर आपस में मिलकर के पॉलीमर बना रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। उसके बाद जब ये तीनों मोनोमर आपस में मिलते हैं तो बना लेते हैं पॉलीएथिलीन। ये तीन ही नहीं और भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए केवल आप लोगों के लिए 3 ही यहाँ पे दर्शाया हुआ है, बट ये और भी ज्यादा हो सकते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं, यहाँ पे आप लोग जो डबल बॉन्ड देख रहे हो वो डबल बॉन्ड ना होकर के केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है, और देख रहे हो CH2 आपस में जो है वो एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है वो जुड़ जाते हैं यहाँ पे और बना लेते हैं पॉलीएथिलीन। तो जब ये मोनोमर था तो इसका नाम क्या था, एथिलीन। उसके बाद जब ये आपस में जुड़ गया उसके बाद क्या बन गया, पॉलीएथिलीन, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। तो जब एथिलीन पॉलीएथिलीन बनता है तो जो प्रोसेस होता है उसे हम पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहते हैं, या फिर सिंपल कहूं कि जब मोनोमर जो है वो पॉलीमर बन जाते हैं तो जो प्रोसेस होता है उसे हम पॉलीमराइजेशन जो है वो कहते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्या क्या टाइप्स होते हैं इस रिएक्शन के, तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट नोट्स में जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। एक एक करके हम सारे रिएक्शन को इस यूनिट के जो है वो देखेंगे गाइस। तो आई होप यू आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।